हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मिठाई बनाने की इजी और क्विक रेसिपी शेयर करूंगी और ये आप 15 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं और घर पर रखे सामान से इतनी टेस्टी मिठाई बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बाउल में 1/4 कप फ्रेश मलाई लेंगे और इसमें हम 2 चम्मच दूध डालेंगे। दूध और मलाई को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम लेंगे फ्रेश कोकोनट। और यहाँ पर मैंने मिक्सर ग्राइंडर में कोकोनट को पीसकर तैयार कर लिया है और ये 2 कोकोनट है। तो यहाँ पर हमने 2 कप ग्रेटेड कोकोनट लिया है और कोकोनट को इतना बारीक पीसने के लिए आप मिक्सर को पल्स बटन पर चलाएं। तो अब चलते हैं गैस की तरफ और गैस पर हमने कढ़ाई रखी है। इस कढ़ाई में ये कोकोनट हम डाल देंगे। और 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर चलाने के बाद अब हम इसमें मिक्स करेंगे ये मलाई और दूध। दूध और मलाई को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच खोया डाला है। आप खोए की जगह मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे ताकि कोकोनट पैन के चिपके नहीं। और अब 5 से 7 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए हम इन सब चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। और 5 से 7 मिनट के बाद यहाँ पर हम लेंगे चीनी। 1/2 कप से कम मैंने यहाँ पे चीनी ली है। 1 बड़ा चम्मच चीनी मैंने इसमें से निकाल दिया है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना चाहें तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे मिक्सचर का जो टेक्सचर कैसा हो गया है। इसी स्टेज पर हम ये चीनी मिक्स करेंगे। और चीनी डालने के बाद हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक कि ये नारियल कढ़ाई छोड़ने ना लगे और इसकी एक सॉफ्ट बॉल बन करके तैयार ना हो। तो आज हम जो नारियल की मिठाई बनाएंगे ये एकदम मुंह में घुल जाने वाली है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पर हमें 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसे लगातार चलाते हुए और आप इसका कलर देख सकते हैं, थोड़ा येलोइश हो गया है। तो अब हम इसकी बोल बनाकर देखते हैं। ये देखिए एकदम स्मूथ बोल बनकर के तैयार हुई है। आप देख सकते हैं ये जो तेल है ये हाथ के चिपक गया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। और आज हम गुलकंद और नारियल की बर्फ़ी बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे इस मिक्सचर में से 2 पार्ट डिवाइड कर लिए हैं। एक को हम प्लेन रखेंगे और 1 पार्ट में हम ऐड करेंगे गुलकंद। तो इस मिक्सचर में से 1 पार्ट मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ और ये बाकी के बचे हुए मिक्सचर में हम मिलाएंगे रोज सिरप। तो ये गुलाब का शरबत है, इसे हम मिला देते हैं 2 बड़े चम्मच कलर के लिए। और इसमें हम ये ऐड कर देते हैं 1 बड़ा चम्मच गुलकंद। अगर आपके पास रोज़ सिरप नहीं है तो आप इसमें फूड कलर भी मिला सकते हैं और रोज़ एसेंस भी मिला सकते हैं। गुलकंद को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को मैंने ऑफ ही कर रखा है। गुलकंद बनाने की रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा गुलकंद बनकर के तैयार होता है। और ये देखिए गुलकंद मिक्स करने के बाद इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब हम सेट करेंगे गुलकंद और नारियल की बर्फ़ी। और बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने ये एक ट्रे ली है, इसे हम घी से ग्रीस कर लेंगे। और सबसे पहले हम इसमें ये प्लेन कोकोनट की लेयर लगाएंगे और नारियल की फर्स्ट लेयर लगाने के बाद अब हम इस पर ये गुलकंद वाली लेयर लगाएंगे। तो इसे भी हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरीके से हम दूसरी लेयर को भी अच्छे से सेट कर देंगे। तो ये देखिए हमने गुलकंद और नारियल के दोनों लेयर को अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम इस पे गार्निश करने के लिए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स को कट करने के लिए मैंने ये चिप्स कटर लिया है और इसी से हम ये ड्राई फ्रूट्स कट करेंगे। और ड्राई फ्रूट्स को भी हम हल्के से प्रेस कर देंगे जिससे कि ये बर्फ़ी में सेट हो जाएँ।
और अब हम इस बर्फी के प्लेट को रखेंगे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में। चार घंटे के बाद मैंने हीट ट्रे को निकाला है और ये देखिए बर्फ़ी का जो कलर है कितना अच्छा हो गया है। अब हम इसे कट करेंगे, तो आप इस बर्फ़ी को स्क्वायर शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज इसे लीफ शेप में कट किया है, तो जो आपको पसंद हो आप उसी शेप में इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सभी नारियल की बर्फ़ी को मोल्ड में से निकाल लेंगे। आप देखिए, तो इस कुकी कटर से मैंने ये बर्फ़ी को कट किया है और इसे हम इस तरीके से प्रेस करते हुए बाहर निकालेंगे। अगर आप इसे फ्रिज में थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ये बर्फ़ी खाने में बहुत टेस्टी है और आप इसे व्रत में बनाकर भी खा सकते हैं। तो इस टेस्टी और घर पर रखे सामान से बनी हुई मिठाई को आप लाइक ज़रूर से कीजिएगा और इस बर्फ़ी को बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं 7 से 8 दिन के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और पास में बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।